गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। तो कल हमने दो वर्णों के शब्द पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे तीन वर्णों के शब्द और चार वर्णों के शब्द। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने गोल राउंड में लिखा है कै। ठीक है, इनको कै को अपने मैं और लै से मिलाएंगे। ठीक है, कै को फिर नै और कैसे मिलाएंगे, फिर कै को टै और कैसे मिलाएंगे, तो इससे अपने नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो गोल राउंड में सबसे पहले कै, बाहर क्या लिखा हुआ है, मैं ल, तो क्या बन गया ये, कमल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस लगा के, मैं और ल, तो ये बन जाएगा कमल। आगे हमारे पास फिर से कै, फिर मैंने लिखा है न और कै, तो क्या बनेगा, कै न क, कनक। फिर है हमारे पास कै और बाहर क्या लिखा हुआ है, टै और कै, तो ये क्या बन गया, कै टै क, कटक। ठीक है, आगे हमारे पास मैं में जोड़ेंगे गै और न, तो ये क्या बन जाएगा, मैं गै न, मगन। फिर हमारे पास है मैं और बाहर लिखा हुआ है टै और क, इनको जोड़ेंगे क्या बनेगा, मैं टै क, मटक। फिर हमारे पास है मैं, इसको जोड़ेंगे गै और र से, तो बनेगा मैं गै र, मगर। ठीक है, आगे हमारे पास है ए में जोड़ेंगे स और ले, जो बाहर लिखे हुए हैं उसको अंदर वाले वर्ण से जोड़ना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, ए से ल, असल। फिर वापिस वही ए, बाहर क्या लिखा हुआ है, गै और र, तो इसको लिखेंगे ए गै र, क्या बन गया, अगर। फिर हमारे पास वही है ए, बाहर लिखा हुआ है मैं और न, तो इनको जोड़ेंगे ये क्या बनेगा, ए मैं न, अमन। ठीक है, आगे हमारे पास गोल राउंड में क्या है, जय लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे किससे, ले और जय से, तो ये क्या बनेगा, जय ले ज, जलज। फिर जय जोड़ेंगे न और कैसे, तो ये क्या बनेगा, जय न क। ठीक है, फिर वो ही जय, बाहर क्या लिखा हुआ है, गै और तय, तो इनको जोड़ के लिखेंगे जय गै त, जगत। इनको रिपीट करते हैं, कै मै ल कमल, कै न क कनक, कै टै क कटक, मै गै न मगन, मै ट क मटक, मै ग र मगर, ए स ल असल, ए ग र अगर, ए मै न अमन, जय लैज जलज, जय न क जनक, जय गै त जगत। तो आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही इनको बोल बोल के लिखोगे। ठीक है, फिर है हमारे पास चार वर्णों के शब्द। ठीक है, तो इसमें अपने बीच में किसको रखा हुआ है, ए को। ऐसे सभी वर्ण मिला के नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, जैसे ए, फिर हमारे पास लिखा हुआ है चै, फिर लिखा हुआ है कै, फिर लिखा हुआ है न, तो ये क्या बनेगा, अचकन। ए चै कै न अचकन। मैडम, फिर हमारे पास लिखा हुआ है ए, आगे क्या है स, फिर ल और मैं, तो इन चारों वर्णों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, ए स ल म, क्या बन गया, असलम। आगे फिर हमारे पास है ए क ब और र, तो इन चारों को जोड़ के लिखेंगे ए के बे र अकबर। ठीक है, आगे
फिर हमारे पास है क, आगे लिखा हुआ है स, फिर रेरत तैतरबूज, तो ये क्या बन गया, क स र त कसरत, ठीक है। फिर क ट है ल, तो ये क्या बनेगा, कटहल, कैट है ल कटहल। आगे लिखा हुआ है क र त और ब, तो इन चारों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, करतब। चार वर्णों को जोड़ के ही हम बना रहे हैं शब्द, तो ये था क्या हमारे चार वर्णों के शब्द, ठीक है। आगे है न ट ख ट, तो ये क्या बन गया, नट खट, नट खट। फिर हमारे पास वही न, बाहर लिखा हुआ है ट व र, तो ये क्या बन गया, नटवर। आगे फिर न फ र त, तो ये क्या बनेगा, न फ र त नफरत, ठीक है। फिर अपने च वर्ण को जोड़ के बनाएंगे चार वर्णों के शब्द, च ट प ट। तो ये क्या बनेगा, चटपट, च ट प ट चटपट। आगे है फिर च मैं, च मैं, तो ये क्या बनेगा, च मैं, च मैं चम चम। फिर हमारे पास वही च ट क न, तो ये क्या बन गया, चटकन। तो इसको दोबारा बोलते हैं, अचकन असलम, अकबर कसरत, कटहल करतब, नटखट नटवर, नफरत चटपट, चमचम चटकन। तो ये थे हमारे तीन वर्णों के शब्द, ये हैं हमारे चार वर्णों के शब्द। आप ऐसे ही बोल बोल के अपनी नोटबुक में इनको लिखोगे। तो बच्चों अब हम करेंगे आ की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा किसी भी वर्ण के पीछे अपने एक डंडी लगा दें तो वो आ की मात्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे क के पीछे अपने ये डंडी लगाई तो ये क्या बन गया, का। ख को आ की मात्रा लगाई, खा। घ को आ की मात्रा लगाई, गा। फिर गै घड़ी को आ की मात्रा लगाएंगे, घा। और अड़े खाली को आ की मात्रा लगाएंगे, अड़ा, ठीक है। फिर आगे है अपने चै को आ की मात्रा लगाएंगे, चा। छह छाता को आ की मात्रा लगाएंगे, छा। जय को आ की मात्रा लगाएंगे, झा। फिर झ को आ की मात्रा लगाएंगे, झा। और अण को आ की मात्रा लगाएंगे, ना। फिर आगे टै टमाटर वाली लाइन, तो टै को आ की मात्रा लगाई, टा। ठ को आ की मात्रा लगाई, ठा। ढ को आ की मात्रा लगाई, ढा। और ढ को आ की मात्रा लगाई, ढा। अण को आ की मात्रा लगाई, अणा, ठीक है। तो आप भी जब अपनी नोटबुक में करो इनको ऐसे ही बोल बोल के लिखा करो, ठीक है। फिर तैतरबूज को आ की मात्रा लगाएंगे, ता। थैथन को आ की मात्रा लगाएंगे, था। दैदवात को आ की मात्रा लगाएंगे, धा। दैधनुष को आ की मात्रा लगाएंगे, धा। और नैनल को आ की मात्रा लगाएंगे, ना। पै पतंग को आ की मात्रा लगाएंगे, पा। फै फल को आ की मात्रा लगाएंगे, फा। भ को आ की मात्रा लगाएंगे, भा। भ भालू को आ की मात्रा लगाएंगे, भा। म को आ की मात्रा लगाएंगे, मा, ठीक है। फिर आगे है ययग, ययग को आ की मात्रा लगाई, या। रैरथ को आ की मात्रा लगाई, रा। लैलट्टू को आ की मात्रा लगाई, ला। वैवर्षा को आ की मात्रा लगाई, वा। शशलजम को आ की मात्रा लगाएंगे, शा। शषटकोण को आ की मात्रा लगाएंगे, शा। सैसलेट को, सा।
है हथौड़ा को आ की मात्रा लगाई हा, क्ष क्ष को आ की मात्रा लगाएंगे क्षा, त्र को आ की मात्रा लगाएंगे त्रा, और घ्य को आ की मात्रा लगाएंगे क्या बनेगा ये घ्या। तो अब हम आ की मात्रा से कुछ शब्द बनाएंगे, ठीक है। रोकना मैडम एक बार। तो अब हम आ की मात्रा लगा के वर्ण बनाएंगे, ठीक है। तो राउंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, गोल घेरे के अंदर आ, और बाहर क्या लिखा हुआ है, गै। तो ये मिला के क्या बनेगा, आ गै आग, ठीक है। फिर अंदर क्या है, आ, बाहर क्या लिखा हुआ है, न। तो क्या बन गया, आ न आन। अगर अपने नैनल को भी आ की मात्रा लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, आना, ठीक है। मैंने बताया कि आ की मात्रा एक डंडी, यानी ये जो चिन्ह है आ की मात्रा का, तो अपने न को आ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, आना। फिर लिखा आ मैं, तो ये क्या बन गया, आम। फिर आगे गोल घेरे के अंदर क्या लिखा हुआ है, का। कह के पीछे एक डंडी लगी है तो आ की मात्रा है का और रे, तो इन जोड़ इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे कार। फिर का प्लस ले, तो ये क्या बन गया, काल। अगर ले को आ की मात्रा लगाना चाहें तो ये भी बन जाएगा काला, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है का और बाहर क्या लिखा हुआ है, मैं, तो इसको जोड़ के क्या बनेगा, का मैं काम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है तय, तय को आ की मात्रा लगा के ता, और बाहर लिखा हुआ है ला, तो क्या बन गया, ताला। फिर ता और रा, तो ये क्या बनेगा, तारा। फिर ता और ना, तो ये क्या बनेगा, ताना। अपने आ की मात्रा लगा के शब्द बना रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। राउंड के अंदर लिखा हुआ है ना और बाहर लिखा हुआ है ला, तो ये क्या बन गया, नाला। फिर लिखा हुआ है ना और रा, तो क्या बन गया, नारा। आगे लिखा हुआ है ना और जा, तो ये क्या बनेगा, ना जा। अपने किसी को बोलते हैं कि मत जा, ना जा, ठीक है। तो रिपीट करते हैं इनको, आग आग, आ न आना, आम आम, कार कार, काला काला, काम काम, ताला ताला, तारा तारा, ताना ताना, नाला नाला, नारा नारा, नाजा नाजा। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में इनको ऐसे ही बोल बोल के लिखोगे, ठीक है।